हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 30 डेज मैंगो सीरीज़ का डे 13 और आज मैं थोड़ा बाहर गई थी। तो मैं गई थी महावीर नगर कांडीवली वेस्ट में, तो वहाँ पर हम लोग गए थे द जंगल जूस में। तो हम लोगों ने वहाँ पर ट्राई किया था कोकोनट मैंगो टाटगोला। तो ये देख लीजिए वहाँ का मेन्यू है। तो छोटा सा आउटलेट है लेकिन बहुत सारे वेरिएशन आपको मिल जाएंगे। तो मैंने ऑर्डर किया था कोकोनट मैंगो टाटगोला क्योंकि मैंगो भी सीजन में है और मेरा तो मैंगो सीरीज ही चल रहा है और टाटगोला भी सीजन में है, तो मैंने सोचा यही ट्राई करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी प्राइस थी 450 रुपीज़, लेकिन इसकी क्वांटिटी अच्छी खासी आती है, तो आप लोग ट्राई कर सकते हो। बहुत ही यम्मी था और इससे मिलती जुलती एक रेसिपी मैंने शूट करके रखी है, तो मैं इंशाल्लाह जल्द ही अपलोड करूँगी। एडिट भी हो गई है। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 30 डेज मैंगो सीरीज़ का डे 14 और आज मैं बनाऊँगी मैंगो मस्तानी। तो इसे बनाने के लिए मैंने 2 बड़ी साइज़ के आम यूज़ किए हैं। इसको चॉप कर लिए। 200 ml मैंने इसके अंदर दूध ऐड किया। 3-4 स्कूप भर के मैंने आइसक्रीम ऐड कर दी है और मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी। तो मैंने शुगर नहीं ऐड की है, आपकी चॉइस के हिसाब से ऐड कर सकते हो। और बस मैं ग्लास ले लूँगी। तो ज़रूरी नहीं कि आप भी इतना बड़ा ग्लास ले, आप छोटे से ग्लास में भी बना सकते हो। पहले मैंने मैंगो चंक्स ऐड किए। आप मैंगो चंक्स के पहले कोई रेड सिरप आपके पास हो, यूज़ करना चाहते हो, कर सकते हो। वनीला आइसक्रीम ऐड की और मैंगो मिल्कशेक जो रेडी हुआ था वो ऐड किया। फिर से सेम लेयर कर लूँगी, आइसक्रीम, मैंगो चंक्स, थोड़े से नट्स ऐड किए थे मैंने और फिर से मैंगो मिल्कशेक। ऊपर से एक स्कूप आइसक्रीम और ऐड कर सकते हो आप और इसे सर्व कर सकते हो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 30 डेज मैंगो सीरीज़ का डे 15 और आज मैं बनाऊंगी मैंगो बोबा ड्रिंक। तो इसके लिए मैंने 4 टेबलस्पून साबूदाना ले लिया है और उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। अगर आपके पास टैपियो का स्टार्च हो तो वो यूज़ कर सकते हो। इसके बाद मैंने 2 आम लिए, इसके अंदर शुगर ऐड की 3 टेबलस्पून और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे भी ग्राइंड कर लिया। तब मैं क्या करूँगी, जो साबूदाना ग्राइंड किए थे उसके अंदर मैं मैंगो प्योरी ऐड करूँगी और इसका डो बना लूँगी और इससे छोटे छोटे बॉल्स बना लूँगी, बोबा बॉल्स। और इसके बाद मैं क्या करूँगी कि पानी को बॉईल करूँगी और उसके अंदर ये सारे बॉल्स ऐड कर दूँगी। और ये देखो, 5 मिनट के लिए इसे बॉईल करने के बाद इस तरीके से ऊपर आ जाएंगे। इसके बाद इसे ड्रेन करके थोड़ा ठंडा पानी में डुबा करके रखना है। ग्लास के अंदर मैंने आइस क्यूब्स ऐड किए, बोबा बॉल्स ऐड किए, मैंगो प्योरी ऐड की, दूध ऐड किया और इसे अच्छे से मिला लिया और ये रेडी है। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 30 डेज मैंगो सीरीज़ का डे 16 और आज मैं बनाऊंगी मैंगो कस्टर्ड। तो मैंगो कस्टर्ड बनाने के लिए मैंने 300 ml दूध एक बर्तन में बॉईल करने के लिए रख दिया है। 2 टेबलस्पून उसके अंदर शुगर ऐड किया है और मैं क्या करूँगी कि थोड़ा सा दूध ले लूँगी, 3-4 टेबलस्पून जितना, इसके अंदर 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर को अच्छे से घोल लूँगी और दूध के अंदर ऐड करके इसे अच्छे से कुक कर लूँगी जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए, और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। एक मैंगो को प्योरी कर लूँगी। मैंने इसके अंदर कोई भी शुगर या पानी नहीं ऐड किया है, सिर्फ मैंगो को पीस लिया है। और कस्टर्ड ठंडा होने के बाद मैंगो प्योरी को कस्टर्ड के अंदर मिक्स करके रख दूंगी फ्रीज में। मैं इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी। जब ये एक बार ठंडा हो जाता है तो मैं इसे सर्व कर लूंगी। सर्व करने के लिए मैं थोड़े से मैंगो चंक्स और बादाम ऐड करूंगी। आप अच्छे टेस्ट के लिए इसे फ्रीज़र में भी रख सकते हो। तो आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है 30 डेज मैंगो सीरीज़ का डे 17 और आज मैं बनाऊंगी एक इंस्टेंट अचार। तो ये सलाद टाइप का ही होता है, लेकिन आपको क्या करना है कि एक कैरी को कट करके ले लेना है, इसके अंदर नमक ऐड करना है और जागरी पाउडर या फिर गुड़ ग्रेट करके आप ऐड कर सकते हो। तो नमक मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया 1/2 टीस्पून, आप ज़्यादा कम कर सकते हो। और 2 टीस्पून भरकर मैंने गुड़ का पाउडर यूज़ किया है और अच्छे से मिला करके रख दिया। पैन में मैंने ऑयल ले लिया है 1 टेबल स्पून भरकर और उसको अच्छे से गर्म कर लूँगी। और ये थोड़ा गर्म रहता है तब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून भरकर ऐड कर दूंगी। तो ये ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका मसाला जल जाएगा। अब मैंने इसको कैरी के अंदर ऐड कर दिया है और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ध्यान रहे, ये स्टोर करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ 1 वीक तक फ्रिज में रहेगा।
हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 30 डेज मैंगो सीरीज़ का डे 18 और आज मैं बनाऊंगी गुजराती स्टाइल छुंडा। बहुत ही इजी एंड सिंपल रेसिपी है इसकी। तो इसके लिए मैंने 3 बड़ी साइज़ की टूटा परी कैरी ले ली है और इसका वज़न देखेंगे तो 900 ग्राम था और इसको मैंने ग्रेट कर लिया है, इसके छिलके निकाल दिए थे और मैंने इसके अंदर 2 कप शुगर ऐड किया और इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दिया अच्छे से मिक्स करके। और ये देखो, इसका मॉइस्चर पूरी तरीके से रिलीज़ हो गया है। तो मैंने इसे पैन में निकाल लिया, नमक ऐड किया टेस्ट के अकॉर्डिंग, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 और आधी टीस्पून ऐड कर दी है। इसका डिटेल्ड वीडियो चैनल पर अवेलेबल है तो आप चेक जरूर कर लेना। तो इसे 15 से 20 मिनट के लिए कुक करना है जब तक ये कांच की तरह ना दिखे। 1 टेबलस्पून जितना ऑयल ऐड करना है, फ्लेम को यहाँ पर ऑफ कर देना है। तो ये देखो, ठंडा होने के बाद भी इसकी कंसिस्टेंसी यही है। तो आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना।